देसी खाना इज बेस्ट, घी वाली रोटी, भिंडी की सब्जी, आलू गोभी यम्मी। मैम आप मेरा आराम देख सकते हो, आई कांट बी पे दिस। तो इसको मैं इसकी क्या जरूरत है। मैम ने मुझे बता दिया कि वो गिफ्ट बहुत आराम से खोलती है, तो मुझे अपनी एक्साइटमेंट को थोड़ा इंटरप्रेट में करना पड़ रहा है। इस पे जूम, फिर पीछे, फिर जूम, फिर पीछे, एक्साइटमेंट। ओह नाइस 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 नाइस, वेरी नाइस। अभी इसका बड़ा वाला आचल ने गृह प्रवेश पे दिया, तो वो ऐसे ये ऐसे भी अच्छे लगते हैं, और रात के टाइम पे आप कैंडल जलाओ वैसे भी अच्छे लगते हैं। इसमें दो कैंडल्स के बंद कर दो एक बार। थैंक यू सो मच मधु जी, मेरे को बहुत 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 ही सुंदर लगे आपके गिफ्ट, बहुत प्रिटी हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। हैप्पी दिवाली, वेरी नाइस। हमारी दिवाली जगमग बनाने के लिए थैंक यू मैम। लाइट ऑन करो, बहुत प्रिटी है मैम, बहुत अच्छे हैं। प्लस ये ब्रश मैंने अमेज़ॉन से ख़रीदा था, बहुत अमेजिंग है, आप सब भी ख़रीद सकते हैं। आज बहुत केसेस आए, डेंटल भी, स्किन भी, लास्ट मोलर इरप्शन, एट्रीजन, एब्रेजन, मतलब आप जब ज़ोर से ब्रश करते हैं तो ऐसा हो जाता है। देखिए इन सब चीज़ों के एक्सट्रीम थक चुकी थी मैं, एक्सट्रीम, एंड ऐसा होता है जिस दिन आपकी तबीयत ख़राब हो ना उस दिन पेशेंट ज़्यादा आते हैं। ये होता है मेरे साथ तो हमेशा। आज हम कॉन्टीन्यूसली काम करे जा रहे थे, लाइक शाम को 6 बजे के बाद मैंने अपना लंच किया होगा, इतनी ज़्यादा थक गई थी मैं और तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। मुझे रीज़न भी नहीं पता, एज सच कुछ मेजर हुआ भी नहीं, बट बहुत थकान और ऐसा लग रहा था। आज आंचल का बर्थडे है, लाइक कल जो आने वाला है उसमें आंचल का बर्थडे, तो आंचल के घर भी जाना था, तो बस मैं ये सोच रही थी थोड़े कम पेशेंट आए, बट ऐसा नहीं हुआ, बाकी दिन से भी ज़्यादा पेशेंट आए, बट एटलीस्ट आई एम हैप्पी कि पेशेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि बारिश के टाइम पे आप सबको याद होगा कि पेशेंट्स थोड़े कम हो गए थे, तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। ये प्रोसीजर जितना देखने में पेनफुल लग रहा है, बिलीव मी पेशेंट को बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा था, एकदम स्किन इसमें सुन होती है तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता है पेशेंट को, तो प्लीज़ आप सब मत डरना। एंड आप कभी भी मेरा कोई स्टेटस देखते हो व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे कोई स्टोरी देखते हो, तो ऐसे मत सोचा करो कि इतना ब्लड है तो पता नहीं कितना पेन हो रहा होगा, एंड इसके रिजल्ट्स बहुत वंडरफुल होते हैं। लाइक जो पेशेंट्स कराते हैं, बहुत सारे लोग ये चीज़ फेस पे भी कराते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, बार बार कराते हैं। यहाँ से गई मैं आंचल के शॉपिंग करने के लिए, आंचल के लिए शॉपिंग करने के लिए, सोचा कुछ सामान ले लेते हैं, और बस प्रे कर रही थी कि तबीयत ठीक रहे पूरे दिन, बिकॉज रात को जगना है, आंचल के साथ टाइम स्पेंड करना है। यहाँ से डायरेक्ट गई थी ओब्रोमा, वहाँ पे इतने सारे इतने यमी केक थे बहुत, तो मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कौन सा केक लूँ कौन सा केक नहीं लूँ, बट फाइनली मैंने एक बहुत यमी सा टेस्टी सा केक ले लिया है। आई होप आंचल को पसंद आए।
नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा, तब तक आप गेस कर सकते हैं, सारे केक देख के आप गेस कर सकते हैं कि मैंने कौन सा केक लिया होगा। आप कमेंट में बताना अगर आपको थोड़ा भी आइडिया लगे तो, और वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा कि मैंने फाइनली कौन सा केक लिया आंचल के लिए। थैंक यू आंचल के बर्थडे का केक ले चुके हैं, और मुझे केक लेते लेते मेरा दिल ऐसे धक 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 कि मोस्ट प्रोबेबली लास्ट टाइम इंडिया में बर्थडे बना रही है, आगे तो यूएस में होगी। खुशी भी हो रही है उसके लिए, बट दुख ज़्यादा हो रहा है। बहुत ऐसा लग रहा है यार, हर साल साथ ही बनाते थे कि चलो अब जा रहे हैं कुछ गिफ्ट लेने। बाय। यहाँ से लिए हमने दो गिफ्ट, आई होप पसंद आए आंचल को। जस्ट रीच्ड होम, यहाँ से नहा धो के आंचल के पास जाऊँगी और केक ले लिया, गिफ्ट ले लिया, आई होप उसे पसंद आए। और जब होता ना कहीं जाना हो, कुछ कर रहा हो, आज सुबह से ऐसे बेकार बेकार से रहता है, इतना हेक्टिक शेड्यूल, इतना थक गई। आज मैंने अपना लंच भी किया है ऑलमोस्ट 6 बजे के बाद, तो सोच सकते हो। बाकी आंचल के घर क्या हुआ कल के व्लॉग में देखना, आंचल का बर्थडे कैसे बनाया हमने। बाय बाय।